Hey guys, good evening, namaskar. Mera naam hai Vishal and welcome to the daily analysis of Nifty. So guys, in this video I'm going to discuss about Nifty Futures trading plan and trading strategy for tomorrow. So let us start the video by discussing what happened on Friday. So guys, as all of you know that there has been a massive fall in the global markets as well as in our own Indian markets, and we have seen 500 points decline coming on Nifty Futures on Friday, 1000 points decline coming on Sensex as well as on Bank Nifty Futures. So in this video I will only discuss the trading plan for Monday, that will be for intraday trades. Positional jo hamare views hain, jo analysis hai, isko main aaj raat ke live session mein discuss karunga. So live session hoga dosto around 10:30 baje ke aas pass. I will upload the link and you are welcome to join our live session. We will take stock queries as well as we will discuss lot of stocks, MCX, Nifty Bank Nifty pe positional view aur global markets bhi hum discuss karenge. So guys, let us start this video by discussing the trading plan for Monday. Now on Friday, Nifty Futures opened with a huge gap down and the selling pressure continued thereafter. Iske baad Nifty Futures ne pehla ek bottom banaya tha 12210 pe. यहां से एक बाउंस आया था, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का बाउंस आया था जिसने वीवैप पे रेजिस्टेंस लिया. दिस येलो लाइन इज द वीवैप. यहां पे इसने काफी देर स्ट्रगल इसको फेस करना पड़ा एंड देयर आफ्टर वी हैव सीन अगेन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ड्रॉप एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वेंट ऑन टू टच 11117 एज द लो. आई हैड कम ऑनलाइन, आई हैड कम फॉर द लाइव सेशन व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस लेवल. यहां पे मैंने कहा था कि दोस्तों मैं 11098 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिफोर क्लोजिंग, और उस वक्त लगा नहीं था कि इतना फॉल होगा, बट मैंने अपना स्टैंड क्लियर रखा था एंड वी ऑल हैव सीन दैट ऑलमोस्ट मेरा बॉटम जो लेवल था 11098 का काफ़ी क्लोज आ चुका था. हार्डली आई थिंक 20 पॉइंट से मिस हुआ इवन इन सच अ मार्केट. सो दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस. नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस डिस्कस कि कल के लिए क्या मॉब लेवल होगा बैंक सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स पे. So I have decided to keep the mob level as 11,275, and the reason is that if the secondary sellers who came in market that time, if they still feel that this market is going downwards, there is a good chance that they will defend this zone. Okay, so इसीलिए ये 11,275 का mob level मैंने रखा है. Now first I will discuss the bullish case, because as all of you know this market is highly oversold और काफी overstretched हो चुका है. 6 दिन से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो चुकी है. जनरली जब 6 दिन की डिक्लाइन हो जाती है तो मैंने देखा है कि ये 9 दिन तक भी परसिस्ट करता है, और कोइंसिडेंटली 4th मार्च इज आल्सो अ टाइम साइकिल डेट फ्रॉम माय एनालिसिस. मेरी एनालिसिस कहती है कि 4 मार्च को एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल होगा बाजार में एज पर द टाइम एनालिसिस. सो अगर हम उसको मिला लें तो 3 दिन ऐड करते हैं तो 6+3 वो 9 दिन का टारगेट वैसे भी अचीव होता है, बट इसको हम साइड में रखेंगे दोस्तों और फिलहाल टेक्निकल्स पे बात करते हैं. सो पहले मैं एक बुलिश व्यू की बात करता हूं, क्योंकि फ्राइडे रात को जो है डाउ जोन्स और एसएनपी ने काफी स्ट्रांग तेजी दिखाई थी लास्ट में एंड एक बहुत ही तगड़ी रिवर्सल हुई है. बट विल दैट लास्ट, विल दैट परसिस्ट, विल इट कॉज फॉर निफ्टी टू गैप अप, दिस इज अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल. नाउ एक और रीजन ये है कि वीकेंड में चाइना की पीएमआई डेटा जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव आई है एंड पीएमआई डेटा जो है वो 2008 के नीचे जा चुकी है. नाउ दैट इज समथिंग टू वरी. ओवरऑल कोरोना वायरस पे अभी तक कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है. देर आर न्यू नंबर ऑफ केसेस विच आर कमिंग अप. सो अगर न्यूज के एंगल से बात करें तो वीकेंड पे ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है. ओके, नाउ हो सकता है पीएमआई डेटा का न्यूज जो है वापस से डाउ फ्यूचर्स को नेगेटिव में ओपन कर दे. एशियन मार्केट्स हो सकता है नेगेटिव में ओपन हो. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा बाजार भी नेगेटिव में ही ओपन होगा. बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस द बुलिश साइड कि क्या बाजार ऊपर में कहां तक जा सकता है. सो दोस्तों 11275 ये हमारा लक्ष्मण रेखा है. चाहे न्यूज फ्लो कैसी भी हो, हम अपने लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे. सो अगर 11275 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है या इसके ऊपर गैप अप करता है, सो टिल दिस लाइन इज डिफेंडेड, टिल दिस लेवल इज डिफेंडेड, वी विल प्ले फॉर द लॉन्ग साइड. सो लॉन्ग साइड में पहला टारगेट है जो 11390 का है, काफी ऊपर है, मोर देन 100 पॉइंट्स अबाउट दिस लेवल है, बट दिस इज द फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड. नाउ व्हाई देयर इज सो मच अपसाइड पॉसिबल अबाउट दिस लेवल इज बिकॉज द एटीआर हैज इंक्रीज्ड
जो दिन का रेंज होता है ये काफी बढ़ चुका है और ये दो चार दिन तक इसी तरीके का होगा। सो इससे ट्रेडर्स के लिए, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, इनको काफी तकलीफ होगा। सो आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि या तो आप बाजार के इस फेज से दूर रहिए, आप इसमें प्ले मत करिए, या तो फिर आप पोजीशन साइज इतनी कम रखिए और प्लीज मेंटेन योर स्टॉप लॉस, बिकॉज इस टाइप के मार्केट में ही मैक्सिमम लॉसेस होता है ट्रेडर्स को। सो डू कीप इन माइंड दिस एडवाइस दैट आई एम गिविंग। सो अबाउट 11,275 फर्स्ट टारगेट विल बी 390 एंड एक और सेकेंड टारगेट मैं दूंगा, हालांकि आई डोंट नो इफ दैट विल कम, बट स्टिल वी कैन कीप दिस एज अ रेफरेंस लेवल। सो 11,430 दिस विल बी द सेकेंड टारगेट। नाउ देयर इज अ बिग गैप विच इज हियर, सो मार्केट इसको फिल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये गैप कल फिल होगा, मेरे ख्याल से ये गैप वेडनेसडे के दिन शायद फिल हो सकता है। सो फिलहाल कल के लिए इसको हम आउट ऑफ पिक्चर रखेंगे, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है बाजार फिल कर दे, बट मेरी ट्रेड प्लान के हिसाब से मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपोज अगर बाजार इसके ऊपर है तो एनी विच वे हम बुलिश साइड के लिए ही प्ले कर रहे हैं, राइट। सो 390 एंड 430 ये दो टारगेट्स तो हमारे अचीवेबल हैं, यहाँ तक तो हमको मिल ही जाएगा। सपोज आप देख रहे हो कि ओवरऑल पूरा मार्केट रिवर्स कर रहा है, काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो आप ट्रेल कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रेलिंग थ्रू विच यू कैन राइट द ट्रेड्स, राइट। तो इस तरीके से अगर कुछ गैप ज्यादा फिल होना है तो उसको भी आप मैनेज कर लेंगे। एंड बिकॉज बाजार इतना ओवरसोल्ड है कि अगर इसके ऊपर बाजार जाता है तो डेफिनेटली वो एक एक कैंडल ही 50-60 पॉइंट का होगा। तो एनी विच वेज अगर आप थोड़ा भी ट्रेलिंग फॉलो करेंगे तो काफी अपसाइड आपको मिल सकती है। Now, having said that, this was the bullish side. Now, what if market remains bearish on the downside? What if there is a gap down opening? What if there is a gap up opening, but bazaar isko na tod paye? In all these scenarios, till Nifty Futures is below 11,275, we will play for the short side. In that case, the short side first target jo hoga mera, wo hoga 12,210 ka. Ye bahut hi chota level hai, jo agar gira to 2 second mein pura ho jayega. इसके नीचे दोस्तों फ्राइडे का जो बॉटम है दैट विल बी माय फर्स्ट मीनिंगफुल डाउनसाइड टारगेट विच इज 11,135। नाउ बिलो दिस देयर इज अनदर डाउनसाइड टारगेट विच आई एम गिविंग विच इज मोस्ट लाइकली टू कम एंड विच कैन बी अ पोटेंशियल बॉटम फॉर टुमारो। ओके, पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहाँ ओपन होगा, कैसा होगा, ये सब देखने के बाद ही हम आफ्टरनून में फाइनल फिगर दे सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ पोटेंशियल वर्ड में यूज करूंगा। सो दोस्तों डाउन साइड में 11,275 के नीचे 12,210 पहला टारगेट जो बहुत ही छोटा है, दूसरा टारगेट जो मीनिंगफुल है और फ्राइडे का बॉटम है तो डेफिनेटली इसको मार्केट टच करेगा 11,135 का, तीसरा टारगेट है 11,078 का जो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बाजार इसको टच करेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं दोस्तों कि निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इतना ज्यादा डिस्काउंट जो है बाजार को अगले दिन थोड़ी देर तक फ्लक्चुएशन में रखता है, एक रैंडम फ्लक्चुएशन में रखता है, सो दैट द स्प्रेड बिटवीन दीज टू यू नो दे आर नॉर्मलाइज्ड टू सम एक्सटेंट। अब इसके वजह से लेवल्स में थोड़े अंतर हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं नीचे में एक और लेवल दूंगा, वो है 11,050 का। सो कीप दिस ऑल्सो एज अ डाउन साइड लेवल, एज अ रेफरेंस लेवल, क्योंकि निफ्टी स्पॉट पे दोस्तों अगर कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है तो वो केवल और केवल 11,050 पे है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन दिस स्प्रेड, ये मैं बस आप लोगों को रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है स्प्रेड रिड्यूस हो जाए, या हो सकता है कि निफ्टी स्पॉट काफ़ी ज़्यादा गिरे और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ज़्यादा ना गिरे, तो इसीलिए ये रेफरेंस लेवल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सो गाइस ये है कल का ट्रेडिंग प्लान, बायस में न्यूट्रल टू डाउनसाइड ही रखूंगा। डाउ फ्यूचर्स को देख के मैं अपना डायरेक्शन नहीं बदलूंगा, मेरा बायस है डाउनसाइड के लिए। जब तक कि मॉब लेवल के नीचे है आई विल प्ले विद माय डाउनसाइड बायस। इफ मॉब लेवल इज क्रॉस्ड, इफ मॉब लेवल इज होल्डिंग अप, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट जो है एक अपसाइड देगा। तो अपसाइड के लेवल्स भी मैं दे चुका हूँ, डाउनसाइड के लेवल्स भी मैं दे चुका हूँ, आपको मॉब लेवल के हिसाब से जो है एक रेफरेंस लेना है और आप काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। सो गाइस दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। टुनाइट इन लाइव सेशन आई विल डिस्कस द पोजिशनल व्यू, क्या रेंज होगा इस वीक के लिए और
एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं करके आप लोगों को बताऊंगा, तो आप वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन 10:30 बजे के आसपास ये होगा, उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स आई विल वाइंड अप इन दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्रेस द लाइक बटन ऑन यूट्यूब, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, दैट विल बी ऑल, टेक केयर एंड हैव अ सेफ एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग टुमारो, थैंक्स।